नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां प्रमुख शासन सचिव शामिल फैक्ट्री एवं बॉयलर निरीक्षण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम जी भाले और जिला कलेक्टर कानाराम ने रावतसर के दनियासर ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर स्थल पर लगे विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा अधिकारियों से योजनावार लाभान्वितों का फीडबैक लिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि विकसित भारत कैंप का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी अधिकारी बड़ी लगन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में लगे हुए हैं। 2047 में 100 वर्ष आजादी के पूरे होने तक अगर हम संकल्प लेते हैं तो राष्ट्र को निश्चित तौर पर विकसित बना लेंगे। उन्होंने 17 योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन चाहे तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। मैं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनकर रोमांचित हूँ। उन्होंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुँचने तथा उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। शिविर में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्री रिकॉर्ड वीडियो तथा विकसित भारत संकल्प यात्रा की फिल्म का प्रदर्शन किया गया। प्रमुख सचिव ने उपस्थित आमजन को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की शपथ दिलाई। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को शिविर में ही गैस कनेक्शन के साथ ही गैस सिलेंडर और चूल्हे का वितरण किया गया। स्वामित्व योजना के तहत प्रमाण पत्रों को वितरित किया गया। इसके साथ ही प्रमुख शासन सचिव और कलेक्टर ने गोद भराई की रस्म में भी भाग लिया तथा बच्चों को खिलौने बांटे। महिलाएं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, कलाकारों को प्रमाण पत्र दिए गए और उपस्थितों को अभिनंदन पत्र भेंट किए गए। आमजन में शिविरों को लेकर खास उत्साह नजर आया। शिविर में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। सर, विकसित भारत संकल्प शिविर के आज क्या क्या निरीक्षण किया, कहाँ कहाँ का निरीक्षण था आपने? विकसित भारत संकल्प शिविर में कहाँ कहाँ निरीक्षण था और क्या क्या शिविर में जानकारी दी गई? आज मैं दो देख चुका हूँ मैं, और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि ये जिला बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो हमारे कलेक्टर महोदय है कानाराम जी, इनके नेतृत्व में सब जगह पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे पुरुषों का हो, ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि सारे के सारे कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती इस कैंप में आए, और जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि हम पूरी तरह से सैचुरेट करना चाहते हैं स्कीम में, कोई ना बचे, अंतिम से अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी वो भी इसका लाभ ले, तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पधारें और यह लाभ लें। धन्यवाद। सर, भारत विकसित शिविर के बारे में बताइए। आज आपकी ग्राम पंचायत के बारे में आज जो यात्रा निकली थी और हमारी ग्राम पंचायत में बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। हमारे यहाँ आज श्रीमान प्रभारी सचिव मोदी आए, कलेक्टर साहब आए और श्रीमान SDM साहब आए, और हमारे प्रतिनिधि सरपंच लक्ष्मण खालिया और सरपंच रामी देवी खालिया उपस्थित थे, और बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया गया और हो भी रहा है। जैसे जो भी कार्य हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है और हमारा कार्यक्रम सफल रहा। सरकारी योजनाओं से भी ग्रामीणों को लाभान्वित किया? हाँ, बिल्कुल लाभान्वित किया गया। उज्ज्वला योजना से हमने जारी किया, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो आज लोगों को लाभान्वित किया गया।